Hello children, welcome to Asa Education. Today we will do the wonder called sleep from the book Pact with the Sun, grade 6 CBSE. We know enough about what sleep is. Hum sab bahut achhi tarah jante hain ki sona kya hota hai. Though we don't know what exactly causes sleep. Sabko pata hai ki sona kya hota hai, par ye nahi pata ki neend aati kaise hai. हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमें सोने का मन कर रहा है, हमें नींद आ रही है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन अनकॉन्शियस रेस्ट. स्लीप जो है, यानी जो सोते हैं हम, वो एक हमारी आराम करने की स्थिति है, एक पोजीशन है, एक ऐसा रेस्ट जिसमें हम सो भी रहे होते हैं और हम जगे हुए भी होते हैं. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी. जब हम सो रहे होते हैं उतनी देर में जो हमारी बॉडी होती है वो पूरे दिन के जो थकान होती है या जितनी भी हमने काम किए होते हैं उसकी वजह से जितनी भी वो थक गई होती है उसको एक रिकवरी मिल जाती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. और जब हम बहुत अच्छे से आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो फिर से चार्ज हो जाती है और फिर से एनर्जेटिक बन जाती है, रेडी फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, कि हम कोई भी फिर से दोबारा काम करने के लिए तैयार है. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर एस्लीप. जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें याद रहे कि जब हम सो रहे थे तब क्या हुआ. वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. हो सकता है कि हमने रात में सोते वक्त जो सपना देखा हो वो हमें याद रह जाए, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जब हम सो रहे होते हैं तो हम एक ऐसे डार्कनेस में सो रहे होते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ भी घटा नहीं है. Several things happen to our body while we are sleeping. जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे साथ बहुत सी चीजें घटित होती हैं बॉडी के अंदर. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जितनी हम गहरी नींद में सोते जाते हैं हमारी मसल्स बॉडी की उतनी ही रिलैक्स और ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं. Our heartbeat becomes slower. और जो हमारे दिल की धड़कन है वो धीमी पड़ जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज डाउन. यहाँ तक कि हमारी बॉडी का तापमान और ब्लड प्रेशर दोनों ही नीचे हो जाते हैं. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. और जो हमारा दिमाग है जो हर वक्त इतना एक्टिव रहता है वो भी हम जब सोते हैं तो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है ताकि हम बहुत सोच ना सकें या हम एकदम से दिमाग ना चला सकें अपना कि अच्छा हमें ये करना है, हमें वो करना है. बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना देखते हैं. व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल. पर हम जैसे ही सो के उठते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है. Our heartbeat and breathing also become normal. और जो हमारी heartbeat और सांसें होती हैं वो भी बिल्कुल normal हो जाती हैं. And we are fully awake and have forgotten most. और जब हम पूरी तरह से जगते हैं तो हम ज्यादातर सारी चीजें भूल चुके होते हैं. If not all the dreams that we had while sleeping. अगर हम कुछ नहीं भूले होते तो हो सकता है हमें एक दो सपने याद रह जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं. What is a dream? अब सपना क्या है? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये mind की या दिमाग की हमारे वो हरकत है जो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं. Some dreams are probable and while others are not. कुछ dreams संभावित होते हैं और कुछ नहीं. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake.
इसका मतलब यह है, कई बार हम वो चीजें सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि कभी हमारी सपने में देखी हुई चीजें सही में भी हो जाती हैं और कभी नहीं भी होती, अदर्स कुड नॉट। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। हमारी जो ड्रीम्स हैं वो कई कारणों से इम्पोर्टेंट होती हैं। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। अगर हम सपना देख रहे होते हैं उस समय हमें ना तो आसपास की आवाज या कोई भी डिस्टर्बेंस समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। जैसे बाई चांस अगर हम सो रहे हो और अलार्म की घड़ी बजे तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है उस टाइम पे ऐसा फील हमें कराता है कि जैसे मानो टेलीफोन या दरवाजे पे घंटी बज रही हो और हम उठे हुए और या हमने जो है उस फोन का आंसर कर दिया, हमें वो रियल में जो है डिस्टर्ब नहीं करती है। सर्टेन डॉक्टर्स फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार हम जो सपने देखते हैं उस सपने में हमें कई परेशानियां भी समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन अगर उस सपने को हम सही से समझें तो हो सकता है हमें उसमें उस प्रॉब्लम का हल भी मिल जाए। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपनों को कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे फ्यूचर को बता रहे हैं, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। सपने कभी हमारे आगे का फ्यूचर नहीं बताते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। सोना जो है हम सभी जानते हैं, सभी सोते हैं, सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि कैसे और क्या पावर है जब हम सोते हैं, उसकी क्या ताकत है सोने की। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत से कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी है स्लीप के बारे में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। यहाँ पर एक पोएम दी गई है जिसको एक पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे उसको सोने के बाद एक्सपीरियंस हुआ। अब पोएट जो है इस पोएम में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जब वो गहरी नींद में सो जाता है तब उसे जो सपने दिखाई देते हैं उसका उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा। लाइट्स आउट पोएम का नाम है। लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज। जब मैं सपनों में खो गया, एक ऐसे गहरे सपने में खो गया जहां पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक घने जंगल में हूं और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, चाहे वो रास्ता कितना भी सीधा हो या टेढ़ा हो। कहीं भी मैं इतनी देर तक घूमता रहा पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू द अननोन। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ। अब ना तो उस रास्ते पे जाने के लिए कोई किताब है कि मैं चूज करूं, ना वहां कोई मेरा ऐसा जानने वाला खड़ा है जिसको देख के मैं पूछ लूं कि मैं कौन से रास्ते जाऊं। अब मैं यहां से वापस भी नहीं हो सकता कि अगर मैं यहां से वापस होता हूं तो मैं पता नहीं किधर चला जाऊंगा। अब मुझे इसके अंदर भी जाना होगा और मुझे इसके बाहर भी आना होगा, पर कैसे ये मुझे नहीं पता। तो बच्चों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।